जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो एक ये मूवी आने वाली थी न्याय, इस पे फाइनली रोक लगाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी कहाँ मूव किए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने मांग की है कि ये मूवी को नहीं आने दिया जाना चाहिए, और इस तरह की जो मूवीज बन रही है जैसे कि शशांक, जो सुरजीत सिंह राठौड़ आए थे सुशांत के केस में, वही प्रोड्यूस कर रहे थे, और इस तरह की बहुत सी मूवी बन रही है, सुसाइड और मर्डर, अ स्टार, तो इस तरह की बहुत सी मूवीज जो सुशांत पे आ रही है। और जो पता लगा है कि अभी बहुत से नाम और सुशांत के ऊपर मूवी बनाने के लिए आए हैं, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में मूव किया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, और वो मांग करते हैं। तो इस तरीके की जो मूवी आएंगी ये फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करती है, ये सुशांत की छवि बिगाड़ने का काम कर रही है, जिस तरह से इनके टाइटल है, जिस तरह से इनके वही ट्रेलर रिलीज किए जा रहे हैं, और जिस तरीके के जो लोग इसमें जुड़े हैं, तो वो सारे वो हैं जो फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और परिवार की, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की, सुशांत की छवि धूमिल करने का काम करेंगे। तो इस तरीके पर रोक लगाई जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है मेकर्स को। अब देखते हैं क्या रहता है पूरा मामला। बाकी नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवी आने वाली है इसके ऊपर बैन लग जाएगा, ये मूवी रिलीज नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ साथ परिवार ने ये भी मांग की है कि उनको जो मेंटल ट्रोमा पहुंचा है, उनकी जो छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, तो 2,02,200 रुपए इनको दिया जाए। तो ये एक आरोप लगाया है। अब देखते हैं दिल्ली हाईकोर्ट इसको किस तरीके से लेता है। बट यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि 2,02,200 रुपए आखिर क्यों परिवार पैसों के पीछे जा रहे हैं। देखो, जरूरी भी है, मेरा जो मत है कि बिल्कुल सही है, जब रुपए की बात आ जाती है ना, तो अगली बार कोई भी नौसिखिया ये नहीं सोचेगा कि भाई चलो वो बना लो, देखा जाएगा, कोर्ट केस तो चलते रहते हैं, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, आपको जब पता लगेगा, ये डर रहेगा कि भाई पैसों का मामला आ सकता है, अगर यहाँ पे दिक्कत हो गई तो पैसे लग जाएंगे, तो व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और इस कंट्रोवर्सी से दूर रहने की कोशिश करेगा। बहुत सही है। तो अब देखो दोस्तों, देखना ये रहता है क्या पूरा मामला रहता है। बट ये चीज एकदम स्पष्ट है कि गलत लोग आ चुके हैं, गलत लोग अपनी गलत मानसिकता परोस रहे हैं, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो सही बात आनी चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। बाकी ना ही इन लोगों ने, जितने भी मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने परिवार से कोई कंसेंट लिया, किसी तरह का साइन करवाए, अपने मन से आते हैं, मूवी बनाते हैं, परिवार की छवि बिगाड़ते हैं, सुशांत की छवि बिगाड़ते हैं, तो इस सब के ऊपर हाईकोर्ट में गए हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो कि वो भी जाने आखिर क्या है पूरा एक अपडेट, जिसकी हम मांग कर रहे थे वो फाइनली होने जा रही है। और देखो, सुशांत को न्याय दिलवाने का तरीका ये नहीं है ये मूवीज, जो कि भैया तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करे। सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए लोगों का बोलना आवश्यक है। लोगों की आवाज जितनी बुलंद होगी, उतना सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उतना ही एजेंसियों पे प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी आवाज एट लास्ट मैटर करती है, ना कि ये बॉलीवुड की दोगले पिक्चरें जो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियरली एक्सप्लेन हुई होंगी जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा था। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।